बैंकिंग सेक्टर पे हम लोगों का पर्सपेक्टिव काफ़ी पॉजिटिव है बिकॉज जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन इकनॉमी में ग्रोथ हो रही है सो क्रेडिट ऑफ टेक एक कंसर्न था जो नहीं जो अभी भी उतना ही कंसर्न बना हुआ है सो so, मेरा मानना यह है कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर का ग्रोथ आता है सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि दैट क्रेडिट ऑफ टेक वुड स्टार्ट पिकिंग अप एंड बहुत से ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं सो बैंकिंग सेक्टर पर हमारा पर्स्पेक्टिव अभी भी उतना ही अच्छा है hmm. uh, जहाँ तक रियल इस्टेट की बात है आई थिंक आई uh, थिंक uh, uh, काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है इन स्टॉक्स में so, सो अगर मार्केट स्टेबलाइज होता है तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा चलिए आइए इस वक्त एफ यानी विदेशी संस्थागत निवेशक उन्होंने क्या किया आज के सत्र में कहाँ कहाँ की खरीदारी कहाँ कहाँ की बिकवाली ये देखते हैं एफ आई